What is the picture that gets painted in your mind when you think of Ladakh? यहाँ पे एक almost 200 year old mosque देखने को मिला है हमें. एक hill top पे यहाँ पे राजा का घर था. This 7 meter tall Buddha statue. पर मैं आपको बता दूँ कि कारगिल district of Ladakh की सुरु वैली एक ऐसी जगह है जहाँ की पेंटिंग मन में बसाने लायक है, मेमोरीज बनाने लायक है, और जाते जाते हम लोग यहाँ अपना वक्त जरूर गुजारना चाहते थे. What has been your favorite memory from recent times, from when you were traveling? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब आप किसी नई जगह पे होते हैं, that is when you make the most memories. हम लोग आज निकल आए हैं सुरु वैली के लिए. वी आर इन सुरु वैली ऑलरेडी इन फैक्ट, एंड दिस इज़ अ प्लेस कॉल्ड ट्रिस्पून. एंड यहाँ पे एक ऑलमोस्ट 200 ईयर ओल्ड मॉस्क देखने को मिला है हमें, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनी हैं, एंड लग रहा है देख के कि काफ़ी ओल्ड है एंड इसमें काफ़ी सारी हिस्ट्री बसी है. कैसा लग रहा है आपको लास्ट दो दिन? आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू योर लास्ट टू डेज इन लद्दाख? काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे लास्ट टू डेज में भी करने का मन कर रहा है. ऐसा नहीं है कि आई फील लाइक लीविंग ऑलरेडी. व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू द मोस्ट? वाटरफॉल. या थोड़ा हाइकिंग हो जाएगा. ऑल्सो मेरे से लद्दाख में वाटरफॉल्स, अच्छे वाटरफॉल्स मुझे ज़्यादा पता नहीं है. आई डोंट थिंक आई हैव हर्ड ऑफ इट. मतलब छोटे छोटे ऑब्वियसली ग्लेशियर्स में से निकलते हैं, वो तो देखे ही हैं, लेकिन प्रॉपर वाटरफॉल देखने के लिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू. माइकल, व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू टुडे? वाटरफॉल इज वन थिंग फॉर श्योर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हां दैट स्टैचू, इट्स मैत्रेय बुद्धा. इट्स 7 मीटर टॉल आई थिंक. 7 meters tall and 7th century built. 7th century built. It's lucky number 7. Ashwin, what are you looking forward to the most? Two long days of wait. We fly drone today. हेलो, कैसे हैं आप? हेलो मुर्गू. तो अभी हम लोग एक और बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड सी जगह में आए हैं. सो सुरु वैली इज़ वन ऑफ दोज प्लेसेस इन कारगिल डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे काफ़ी कम लोग आते हैं, और आई थिंक डेफिनेटली यहाँ पे टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है. एंड इफ़ यू कम हियर, यू कैन कम टू वन ऑफ दिस प्लेसेस कॉल्ड करसेक हर विलेज. एंड इस विलेज की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि एक हिल टॉप पे यहाँ पे राजा का घर था, इसलिए इस जगह का नाम है करसेक हर. और खर का मतलब बेसिकली कैसल होता है. और यहाँ पे अनदर रियली इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस विलेज इज दिस 7 meter टॉल बुद्धा स्टैचू. इट्स अ मैत्रेय बुद्धा स्टैचू, मतलब एक फ्यूचर बुद्धा का अवतार पे डिपिक्टेड ये स्टैचू है. Probably from the 8th to 9th century, and it was commissioned by the Gandhara School of Art, and the king of this area commissioned this. And उन्होंने basically कारगिल district में 3 ऐसे बड़े बड़े statues commission किए थे. And कहा जाता है कि ये मानना भी है इस area का कि पहले Mongolian attacks बहुत होते थे यहाँ पर कारगिल area में, but जब से ये 3 बुद्धा स्टैचूज कमीशन हुए थे और बने, उसके बाद से यहाँ पे काफ़ी हद तक पीस मेंटेन रहा. एंड आज तक कोई भी इन्वेजन का नतीजा एक लॉस में नहीं रिजल्ट किया. सो यू कुड से दैट द सेइंग इज दैट दिस हैज बेसिकली लेड टू द पीस इन दिस एरिया. तो 16th सेंचुरी में यहाँ पे एक रूलर थे जिनका नाम था जामयांग नमगेल, और उन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा घर बनाया था कैसल के, सॉरी हिल टॉप के ऊपर, जिसकी वजह से इस पूरे गांव को जाना जाता है. एंड ही इनफैक्ट फेल इन लव विद अ बाल्टी
प्रिंसेस जिनका नाम था गेल खातून। जो गेल खातून है उनका भी जो मकबरा है वो इसी गांव के अंदर है। सो दिस ऑल्सो मेक्स फॉर अ वेरी गुड स्टोरी कि यहाँ पे कैसे यूनिटी थी, यूनिटी है इनफैक्ट बहुत पुराने टाइम से। एंड देयर सन सिंगे नमग्याल एक्चुअली वेंट ऑन टू बिकम द किंग ऑफ लद्दाख। सो दिस इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ हिस्ट्री ऑफ दिस प्लेस, मेक्स फॉर अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑल्सो। यहाँ पे आके आई थिंक ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट फीचर इस जगह का ये हिल टॉप ही लगता है। After listening to this very heartwarming story of this place, I was actually wondering that having a castle on a hill would have just been so perfect. And I think Suru Valley ka sabse bada charm yahi hai that you're surrounded by so much history, some tales well known while some forgotten, amidst this beautiful landscape and so much greenery. हम लोग हैं अभी दमसना में इन सुरू वैली, एंड दमसना इज मोस्टली फेमस फॉर द व्यू ऑफ नून एंड कुन पीक्स विच आर 7000 मीटर पीक्स। दे आर वेरी प्रोमिनेंट ऑन माय लेफ्ट साइड राइट नाउ, दे आर लुकिंग क्वाइट ब्यूटीफुल। बट हम लोग यहाँ पे अभी आए हैं बिफोर एंजॉयिंग द व्यू टू अ फिशरी। नाउ दिस इज अ ट्राउट फिशरी, एंड ट्राउट इज नॉट रियली अ नेटिव फिश हियर इन द हिमालयस, क्योंकि जैसे आप मनाली में भी अगर जाएंगे तो वहाँ पर भी ट्राउट फिश काफ़ी प्रोमिनेंटली मिलती है वहाँ की रिवर में। In Kashmir also trout is famous, and all of these trout fish were actually introduced by the British, and currently the place that we are at is at a fishery, which means the trout is literally grown here for consumption, and this is the first time I'm actually seeing a fishery. मैंने पहले कभी नहीं देखी। यहाँ से हम लोग थोड़ी सी फिशरी से टेस्ट करने के लिए फिश लेके जाएंगे छोटे से होटल में, वहाँ पे खाना खाएंगे, and we'll try and taste some of this fish as well. अभी हम लोग आए हैं दमसना विलेज के एक सुरू वैली रिजॉर्ट में फॉर हैविंग लंच, एंड वी केम डायरेक्टली फ्रॉम द फिशरी। फिशरी में हमें 2 किलो फिश मिल गई, एंड उसको यहाँ पे द प्लान इज पका के खाएंगे। दिस विल प्रॉब्ली मेक फॉर अ वेरी यूनिक मील एज सच, और इट ऑल्सो कम्स वेरी क्लोज टू अ प्रॉपर लोकल एक्सपीरियंस। आज एक्चुअली हमारे साथ दो स्पेशल गेस्ट भी हैं, एक अली एक मुनावर, एंड ये लोग हमारे फ्रेंड्स हैं आज के लिए, बिकॉज दे आर गिविंग अस इंटेल एंड आल्सो इन्फॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग दे वर डूइंग टुडे। एंड यहाँ पे हम लोग बेसिकली फिश कुक कर रहे हैं जो हम लोग फिशरी से लेके आए थे, एंड इट्स लुकिंग नाइस, बट अभी से मैरिनेशन की जरूरत है थोड़ी सी। मैं करती हूँ, ठीक है? पहला यू वांट स्पाइसी? यस यस यस। ओके, दिस इज एनफ? अब रह गया आपका गरम मसाला। हाँ, गरम मसाला ही। बस 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 बस। ये है BNC का मीट मसाला और थोड़ी सी सौंफ। दिस इज सौंफ पाउडर। यम्मी यम्मी। मैंने सौंफ मसाला पहले कभी नहीं खाया फिश में, सो दिस विल बी अ फर्स्ट टाइम। बहुत टेस्टी होगा। भैया का? हाँ, ये कंप्लीटली मैरिनेट होना चाहिए। आपको कैसी लग रही है फिश? बहुत अच्छा है, इट्स यम्मी। आपकी मेहनत है सारी। थैंक यू। थोड़ा मैरिनेशन कम हुआ है। कैसी भाई, आपको कैसी लगी फिश? बढ़िया, बहुत अच्छा।
मैम ये जो स्ट्रेच है यहाँ पे बोल्डर फेस्ट होता है। अच्छा। मेनली अगस्त के सीजन में होता है यहाँ पे। ओके। तो यहाँ पे ज्यादातर फॉरेनर्स यूरोपियंस आते हैं पार्टिसिपेट करने। ये सारा स्ट्रेच है इसमें हो जाता है ये बोल्डर फेस्ट। ओ वाओ। अब तो जैसे मनाली वगैरह में भी काफी लोग बोल्डरिंग करते हैं। हाँ, तो वो लोग भी आते हैं मनाली वाले, वो भी आते हैं ज्यादातर। अच्छा। वहाँ से भी आते हैं, दूसरे साइड से भी आते हैं, साउथ इंडियन भी आते हैं। ओके जी। ये कौन ऑर्गेनाइज करता है बोल्डर? ये हमारे रूट्स लदाख करके एक ये है। हाँ, हम लोग मिले थे मुझे। हाँ, हाँ, वो लोग करते हैं। अच्छा। उन लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया था पहले। ओके। तो ये स्टार्ट हुआ था लेकिन ड्यू टू कोविड-19 आपको पता है तभी से ये अभी इन लोगों ने ये बंद किया। फिलहाल जी जी जी। गाइज ये जगह इतनी ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड है, इतनी ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड है कि यहाँ की इतनी हाइक्स हैं, इतने ट्रेल्स हैं, इतने ट्रैक्स हैं, नॉन कुन पीक्स हैं जहाँ पे लोग माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन के लिए आते हैं, बोल्डरिंग करने आते हैं। एक केव सिस्टम है यहाँ पे जिसमें मैं जा भी नहीं रही क्योंकि उसके लिए पूरा दिन चाहिए होता है। पर अभी हम लोग आए हैं तांबिस विलेज में एक छोटा सा हाइक करने के लिए 1 घंटे का। यहाँ से ऊपर स्टार्ट करेंगे रास्ता एंड जाएंगे एक वाटरफॉल देखने। मैं इनफैक्ट अभी पूरे यहाँ आने में तक रास्ते में मैं सो रही थी बिकॉज बहुत ही अच्छा खाना खाया है थोड़ी देर पहले ही, अभी सन भी निकला है, वेरी नाइस। बट या अभी नींद खोल के थोड़ा सा वी आर हेडिंग टू द वाटरफॉल। वहाँ पे जाके आई थिंक आई नीड अ स्प्लैश ऑफ वाटर। मैं यहाँ के खुल भी नहीं रही अभी, बट दिस इज़ अ प्लेस दैट यू मस्ट एक्सप्लोर विद अ लॉट ऑफ टाइम ऑन योर हैंड्स बिकॉज कारगिल सो फार हैज़ बीन अमेजिंग। जस्ट लाइक दैट धीरे धीरे इस 1 घंटे की हाइक में हम चढ़ चढ़ के अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच ही गए। बट दिस वॉज आवर फाइनल डेस्टिनेशन इन दिस इंटायर जर्नी थ्रू लद्दाख, थ्रू कारगिल डिस्ट्रिक्ट एंड सुरू वैली। एंड कैन आई जस्ट टेल यू, दिस इज़ वॉट मेमोरीज मीन टू मी, गोइंग ऑन अ ट्रिप, लीविंग ऑन एन एडवेंचर एंड एक्सपीरियंसिंग थिंग्स दैट आई वुड हैव नेवर अदरवाइज इवन इमेजिन्ड कि ऐसी जगहें एग्जिस्ट भी कर सकती हैं। लगभग 300 मीटर की हाइक कुछ ज़्यादा ही स्टीप थी लेकिन बहुत मज़ा आया। एंड यहाँ पहुँचने के बाद वी सॉ दिस ब्यूटीफुल वाटरफॉल एंड ऑल्सो यहाँ पे दो दो रेनबोज दिख रहे हैं विच लुक्स रियली नाइस। एंड आई थिंक इट इज़ रियली सक्सेसफुल कमिंग ओवर हियर एंड लुकिंग एट दिस ब्यूटीफुल साइट। और हाइक भी काफ़ी अच्छी थी, आप भी आना कंसिडर करें। कारगिल में एक्चुअली बहुत कुछ है करने को, समथिंग लाइक दिस एंड ऑल ऑफ इट इज़ प्रिटी अनडिस्कवर्ड। कोई नहीं आता यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं इट्स एन एम्प्टी प्लेस। And not just this place, I think the whole of Ladakh left me with such unforgettable memories कि जब भी मैं अपनी यादों का suitcase unbox करूँगी ना, उसमें बस मुझे experiences और खुशी ही मिलेगी। And just like that, I hope someday you also make it here and get lost in Ladakh. Until then, I will see you next time with a whole new series. Bye bye.